हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्वनिल पंडित फाबिस एक बार आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। और अगर आपने हमारा पार्ट वन फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सिलेक्शन ऑफ लोकेशन नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन चेक इट आउट दैट इन अवर यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पार्ट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन के बारे में डिस्कशन करें। एज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज इथोस ऑफ लोकालिटी। फ्रेंड्स, आगे हमने डिस्कशन किया रिलेटेड टू सम रिसोर्सेज ऑफ इंडस्ट्री एंटरप्राइज के लिए। अब थोड़ा अलग एस्पेक्ट से डिस्कशन करेंगे। एज यू कैन सी द फर्स्ट इथोस ऑफ लोकालिटी, इट मींस फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। इंडस्ट्री में, एंटरप्राइज में इनोवेशन स्पिरिट कैसा है, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज का एस्पेक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो ये सब पैरामीटर भी काफी महत्वपूर्ण है। सम गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज विल ऑल्सो क्रिएट अ फेवरेबल सिचुएशन। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे पास है तो फेवरेबली एंटरप्राइज का एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं जो इथोस ऑफ लोकालिटी में काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप देख सकते हो टाटास, इवन किर्लोस्कर्स, तो ये सब ग्रुप इथोस ऑफ लोकालिटी में एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए आगे बढ़े और बात करें एक और फैक्टर के बारे में। एज यू कैन सी नेचुरल फैक्टर्स, हाँ फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्स। बहुत सारी एंटरप्राइज ऐसी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे नेचुरल रिसोर्स का, फैक्टर्स का काफी महत्व है। जैसे कि हम सब जानते हैं फैक्टर्स लाइक लैंड, वाटर, क्लाइमेट, इवन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और नेचुरल रॉ मटेरियल सप्लाई, एग्रीकल्चर क्लाइमेट, तो ये सब पैरामीटर्स एक एंटरप्राइज या इंडस्ट्री को काफी अफेक्ट कर रहे हैं। और उसके एग्जाम्पल्स में जैसे हम बात करें, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन ऊपर कि जैसे शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, इवन कॉटन टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे सब रॉ मटेरियल नेचुरल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एंटरप्राइज को चलाने के लिए जो बेसिक रॉ सप्लाई है वो नेचुरल एग्रीकल्चर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि हमारी जो एंटरप्राइज है उसकी प्रोडक्ट फिनिश गुड क्या है, और साथों साथ हमें रॉ इनपुट, रॉ मटेरियल किस फॉर्म में और कहां से चाहिए। तो यहां पे जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, तो ये एक एग्रीकल्चर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें यह देखना जरूरी है कि लोकेशन सिलेक्ट करने के समय पे कि हमें ये नेचुरल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को कितने अफेक्ट करेंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें एंटरप्राइज के लिए, इंडस्ट्री के लिए लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। द वन मोर फैक्टर ऑन योर स्क्रीन, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देर आर सर्टेन पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग। तो कहां पे इंडस्ट्री को लाइसेंस देना, किस लोकेशन पे देना, कौन सी जगह पे इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करके वहां उसका डेवलपमेंट करना, ये सब एक पॉलिटिकल फैक्टर्स का एस्पेक्ट है। टू एनकरेज द अंडर डेवलप्ड एरिया, आपको मालूम होगा कि अर्बन एरिया ज्यादातर डेवलप्ड होता है पर रूरल एरियाज ऐसे है वो अंडर डेवलप्ड है, तो ऐसे अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप्ड करने के लिए वहां पे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री शुरू करना काफी जरूरी है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग में अंडर डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग दिया जाता है जिसकी वजह से वहां का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो अंडर डेवलप रीजन को डेवलप ऐसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम सब्सिडी दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट दे सकते हैं जिसकी बदौलत विलेज एरियाज में
रूरल एरियाज में हम डेवलपमेंट कर पाए। और साथों साथ जैसे कि आप देख सकते हो, लाइसेंसिंग नॉर्मली अर्बन सिटीज में नहीं देते हुए उसको रूरल अंडर डेवलप्ड एरिया में दिया जाता है। सो वंस विल नॉट प्रोवाइड दी लाइसेंस टू अ लार्ज यूनिट और अ बिग यूनिट इन सिटीज, तो वो क्या होगा, दैट डिवर्ट्स टूवर्ड्स दी अर्बन और अंडर डेवलप्ड एरिया। तो वहां पे इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वो सराउंडिंग का बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो अंडर डेवलप्ड एरिया का कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़े फ्रेंड्स। एज यू कैन सी वन मोर पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज सब्सिडाइजिंग एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारी फैसिलिटीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दे सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो, अंडर डेवलप्ड एरिया में डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे मार्केट कैपिटल, मेकिंग कैपिटल, बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल चाहिए, लैंड रिक्वायरमेंट, वाटर सोर्स रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीज सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। साथों साथ डेवलपमेंट रिबेट, जैसे टैक्स एग्जम्पशंस हो गए, जैसे कि प्राइस सब्सिडाइज जो वर्किंग कैपिटल है उस पर बेनिफिट दिया, ट्रांसपोर्टेशन पे लो कॉस्ट बेनिफिट दिया, पोस्टल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, उस सब में सब्सिडीज या लोअर रेट पे बेनिफिट्स दिया। तो ये सब फैसिलिटीज और ये सब सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट अपना बेनिफिट एंटरप्राइज को पास ऑन कर सकती है, जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड एरिया में एक एंटरप्राइज का या इंडस्ट्री का अच्छा डेवलपमेंट हो पाए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिस किसी को भी एक इंडस्ट्री या एंटरप्राइज शुरू करना है वो गवर्नमेंट की ये सब सब्सिडीज और फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। आइए एक और फैक्टर के बारे में बात करें। द वन मोर फैक्टर ऑन योर स्क्रीन इज पर्सनल फैक्टर। सरप्राइज, हाँ फ्रेंड्स, पर्सनल फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। नॉर्मली इट इज नॉट अ प्रूवन एस्पेक्ट, पर कभी कभार पर्सनल फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। पर्सनल थॉट्स, बिलीफ, वो भी कभी लोकेशन को सिलेक्ट करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें, आप देख सकते हो अबाउट मिस्टर हेनरी फोर्ड, द ओनर ऑफ फोर्ड इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल कंपनी। जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हो, उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी सबसे पहले डेट्रॉइट यूएसए में शुरू की, एंड द रीजन इज बिकॉज इट वॉज हिज होम टाउन। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल फैक्टर भी कभी कभार लोकेशन को सिलेक्ट करने में महत्वपूर्ण रहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़े और एक फैक्टर के बारे में देखें। आप देख सकते हो मिसलेनियस फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स की जिसका लोकेशन को सिलेक्ट करने में महत्व है, एंड द लिस्ट इज क्वाइट बिग। एज यू कैन सी द फर्स्ट, सफिशियंट वाटर सप्लाई, इंडस्ट्री को चलाने के लिए वाटर का सफिशियंट सप्लाई होना, वाटर सोर्स का सप्लाई होना, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज को सही से डिस्पोज करना, पॉल्यूशन का सही से कंट्रोल होना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री एंटरप्राइज हम चलाए पर अगर वाटर या वेस्टेज का सही डिस्पोजल ना कर पाए या पॉल्यूशन सही से कंट्रोल ना कर पाए तो दैट विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ एथिकल बिजनेस। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि सम स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स लाइक एयर स्ट्राइक, वॉर सिचुएशन, तो ये सब फैक्टर्स को भी कभी कभार ध्यान में रखा जाता है इन द केस ऑफ सम इंडस्ट्रीज लाइक एटॉमिक इंडस्ट्रीज और लाइक थर्मल पावर स्टेशंस। तो ये लोकेशन सिलेक्ट करने के टाइम पे ये सब पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। द वन मोर इज अवेबिलिटी ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सर्विसेज नज़दीक में होना, तुरंत मिल पाए, ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करना, या इंडस्ट्रियल सेंटर्स है तो नज़दीक में फायर फाइटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हो या फायर स्टेशंस हो, तो वो होना ज़रूरी है। अवेबिलिटी ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वन मोर इज यू कैन सी कम्युनिटी एटीट्यूड, जो जो लोकेशन है वहाँ कम्युनिटी का एटीट्यूड क्या है,
और साथों साथ एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस क्या है वो भी समझना हमें जरूरी है। और उसके अलावा आप देख सकते हो इंडिविजुअल एस्पेक्ट के, वहाँ के भी हर एक लोकेशन के लोगों का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का रीजनल एस्पिरेशंस क्या है उसके लिए समझना भी जरूरी है। तो ये सब जो फैक्टर्स है फ्रेंड्स वो मिसलिनियस फैक्टर्स है जो एक लोकेशन को सिलेक्ट करने में काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, हमने पार्ट टू में डिस्कशन किया रिलेटेड सम मोर फैक्टर्स रिलेटेड टू फैक्टर्स इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। समराइज करते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे टॉपिक को, और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट। हाँ फ्रेंड्स, जगह का लोकेशन का सही सिलेक्शन करना कॉम्प्लेक्स भी है और डिफिकल्ट भी है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिजनेस के ग्रोथ में अपना योगदान दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो सिलेक्टिंग ऑफ फैक्टर्स इन रेफरेंस सम फैक्टर्स आर हैविंग अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज वेल एज क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस। तो ऐसे फैक्टर्स भी है जो नॉन फाइनेंशियल है पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और कंसिडरेशंस रखते हैं। तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ध्यान में रखना पड़ता है, कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ध्यान में रखना पड़ता है। सम फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल, सम फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल। हर बार आप हर एक फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हमें ये सब सिचुएशन में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक बैलेंस सिलेक्शन करना है। और ये बैलेंस सिलेक्शन ऑफ लोकेशन थ्रू दिस फैक्टर्स विल प्रूव अ की सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज। हाँ फ्रेंड्स, एक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की सक्सेस उसकी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, सही लोकेशन को सिलेक्ट करने में ही छुपी हुई है। इट विल क्रिएट अ सक्सेस एंड ग्रोथ फॉर एनी एंटरप्राइज और एनी इंडस्ट्री। आइए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्टर्स अफेक्ट्स टू सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, दिस वाज़ अ पार्ट टू ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। I hope this video will help you out to select a proper location of your own enterprise and industry. Wish you a great luck. Keep learning, friends. Thank you very much.